Hey guys, it's Vijay here. So guys, आज की राइड काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम राइड करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो ब्रिस्टल सीधे यूके से राइड करते हुए आ रहे हैं एंड वो जा रहे हैं बीजिंग चाइना. सो उनके सफर में हम उनका थोड़ा साथ देंगे, 100 किलोमीटर का एक राइड करेंगे. तो चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ. एक्चुअली वो एक कैंसर पेशेंट है. गाइस ये हैं ल्यूक ग्रैंडफॉल शो और इन्होंने जो अपना मिशन है ब्रिस्टल टू बीजिंग ये स्टार्ट किया था दो साल पहले ये अपने ब्रिस्टल से राइड करते हुए निकले थे एंड अभी आ चुके हैं आसाम डिब्रूगढ़. और इन्होंने जो अपना सफ़र स्टार्ट किया है ये टैंडम बाइक पे सफ़र स्टार्ट किया है. टैंडम बाइक पे ये अकेले रहते हैं और जब भी किसी को भी इनको सपोर्ट करना होता है तो वो साथ में इनका साथ देते हुए इनको सपोर्ट करता है. और गाइस हम भी इनका साथ देने के लिए जा रहे हैं. 1000 के अप टू 100 किलोमीटर्स का ये राइड होने वाला है तो काफ़ी मज़ा आने वाला है. तो चलिए गाइस हमने इनसे थोड़ी बातचीत करी तो मैं आपको बताता हूँ. And it's been awesome cycling through Assam Valley. And basically, I've gone 30,000 kilometers all the way to China from the UK. And the big idea is to show what's possible with cancer. And that's what I'm doing right now and inviting everyone to join me. So having bid it today, come and join and everyone from the Dibruga Cycling Club. So now, hum apni rides start karne wale hain Luke and Tom ke saath. Chaliye, chalte hain. सो गाइस ल्यूक ने अपना जो सफ़र है जो राइड है वो स्टार्ट करा था 1 जनवरी 2020 से एंड ये कैंसर पेशेंट होने के बावजूद भी इन्होंने अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया कि इनको एक अच्छी सी रिचफुल लाइफ जीनी है. जितना उनके पास लाइफ है वो पूरा अच्छी तरह से जीना चाहते हैं. वो ये बताना चाहते हैं कि कैंसर होना लाइफ का एंड नहीं है. आप अच्छी तरह से आप इसको एंजॉय करते हुए आप जी सकते हैं, आप बिल्कुल रिचफुल लाइफ जी सकते हैं. तो उनका डिटर्मिनेशन डेडिकेशन देख के काफ़ी अच्छा लगा एंड वो राइड कर रहे हैं ताकि वो कैंसर चैरिटी ट्रस्ट को फंड रेज करके वो फंड दे सकें. और इन्होंने अपनी जर्नी में एक टारगेट सेट करके रखा हुआ है कि इनको 300,000 pounds का फंड रेज करना है राइडिंग 30,000 kilometers फ्रॉम ब्रिस्टल टू बीजिंग अक्रॉस 30 countries ऑन ए 3 wheels फॉर ओनली 1 इंस्पायरिंग कॉज दैट इज़ कैंसर. एंड ल्यूक का जो कैंसर है वो है लंग कैंसर एंड अनफॉर्चुनेटली वो 4th stage पे है तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है. लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जज्बा बनाए रखा और डिटर्मिनेशन से डेडिकेशन से उन्होंने पूरा अक्रॉस 30 countries ये राइड करने का सोचा. तो हैट्स ऑफ टू दिस स्ट्रॉन्ग मैन. एंड उनको अपने फादर से 2018 में पता लगा था कि इनको कैंसर निकला है. इनको एक्चुअली पहले शोल्डर में वो कैंसर शोल्डर से होते हुए इनके लंग्स में पहुंच गया. तो काफ़ी बुरा लगा हम सभी लोगों को इनके बारे में जान के. लेकिन हम काफ़ी इंस्पायर भी हुए इनकी स्टोरी से, इनके इस जज्बे से कि इनको पूरा राइड करना है. और जो सिल्क रूट है ब्रिस्टल टू बीजिंग उन्होंने वो चूज़ किया. और रास्ते में ल्यूक की जो बाइक है वो थोड़ी ख़राब हो गई थी तो हमने इनकी हेल्प करी इसको पूरा सेटअप करने में. सो उसके बाद हम दोबारा हमारी जर्नी पर निकल गए. और फिर यहाँ से टिनसुकिया पहुँचने के बाद ल्यूक जाएंगे आसाम से अरुणाचल. सो आई होप कि अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट इनको वहाँ का पास दे देगी ताकि अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकें. एंड रास्ते में हमको टिनसुकिया साइकिलिंग क्लब के भी लोग मिले, उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, ल्यूक को सपोर्ट किया. तो काफ़ी अच्छा लगा ये इतना सपोर्ट देख के साइकिलिंग क्लब का. देन हम तिनसुकिया पहुंच गए. इट्स अ प्लेजर मीटिंग विद देम, राइडिंग विद देम एंड सो रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सपोर्ट हिम इन दिस नोबल कॉज. यू टेक केयर. थैंक यू वेरी मच. Thanks for joining us. We hope that you complete your mission as early as possible. I will always remember this ride with Luke. And a great gesture by Luke. He gave us the wristband, beautiful looking Bristol to Beijing wristband. So guys, that's it for the today's video. If you like the video, then please hit the like button, share this video, and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching, guys. See you in the next video.